हाँ अभी Y7 इस मोबाइल की FRP अनलॉक करेंगे। FRP अनलॉक करने के लिए मैंने अपनी वाईफाई कनेक्ट कर दी है, क्योंकि मुझे इंटरनेट से कुछ एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेंगे इसमें। और इसके बाद वाईफाई जैसे कनेक्ट कर देता हूँ तो इस एरिया पे दो फिंगर से थोड़ी ही देर प्रेस करेंगे तो इस पे टॉक बैक इनेबल हो जाएगा। टॉक बैक इनेबल हो गया है, इसीलिए आप वन टाइम बैक करें और स्क्रीन पे एल्क ऑप्शन बनाते हुए टॉक बैक सेटिंग में जाएं। टॉक बैक सेटिंग यूज करने का तरीका ये होता है कि ये डबल क्लिक से फिर मोबाइल चलता है और इसे नीचे नहीं होगा जब तक आप दो उंगलियों से नीचे ना ले जाए। दो उंगलियों से नीचे ले जाए फिर हेल्प एंड फीडबैक इस पर क्लिक करें। ठीक है, और इसके बाद अगर टॉक बैक इनेबल है और यहाँ पर मैं पहुँच चुका, मुझे टॉक बैक की ज़रूरत नहीं है, मैं इसमें टॉक बैक वापस ऑफ कर देता हूँ, दोनों बटन दबाए रखूँगा। टॉक बैक ऑफ हो गया है, अब मेरे लिए आसान होगा कि मैं इसे यूज़ करूँ। वीडियो पे मैं इसके लिंक पे चला जाऊँगा जो वीडियो प्ले है। शेयर पे क्लिक करें, जीमेल पे क्लिक करेंगे। शेयर पे क्लिक करने के बाद स्किप एड ईमेल एड्रेस, मैं अपना याहू का इसमें ईमेल डाल देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, अब मैं इसमें पासवर्ड एंटर करूँगा। पासवर्ड के लिए मुझे वीडियो थोड़ी सी पॉज करनी पड़ेगी। ये पासवर्ड एंटर करने के बाद साइन इन कर दूँगा। साइन इन एग्री। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, साथ में कमेंट्स करके हमें बताना भी। अगर आपका मसला हल नहीं होता तो आपके मसले का इससे भी बेहतर हल निकालेंगे। अब इसमें मेरे याहू का ईमेल ऐड हो गया है, अपने याहू की ईमेल पे मैं क्लिक करूंगा वन टाइम। टैग टू ईमेल करूंगा, बल्कि यहाँ से मैं जाऊंगा सेटिंग पे। सेटिंग से फिर तीन रो को दबा के मैनेजमेंट अकाउंट, यहाँ से मैं अकाउंट पे जाऊंगा। अकाउंट पे अगर मैं इसको देखूं तो इसका सिस्टम अब अगर आप देख सकते हैं कि अबाउट फोन यूनी, ये है हवावे वाई प्राइम 2018 की FRP है, LND इसका मॉडल है। इसे अनलॉक करने के लिए मैं बैक जाता हूँ वापस। अगर मैं स्टोरेज पे जाऊँ और स्टोरेज पे क्लीन करूँ एक बार, तो आपने बाकी वीडियो देखी होंगी कि क्लीन करने के बाद यहाँ पर एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन होता है, फाइल मैनेजर का, वो इनेबल हो जाता है, लेकिन इसमें नहीं है। तो आप क्या करेंगे, बैक जाएँ। बैक जाने के बाद आप एप्स नोटिफिकेशन में आए, यहाँ पर से एप्स में जाएं। ठीक है, मैं आया गूगल क्रोम में आया नोटिफिकेशन। ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन है, यहाँ से मैं अगर डाउन करूँ तो मोर सेटिंग, इसकी मोर सेटिंग इनेबल नहीं हो रही, क्योंकि मैं जाके गूगल को इनेबल कर देता हूँ। जहाँ से इनेबल होगा मैं आपको बता देता हूँ कि हम अगर डिवाइस में बल्कि सिक्योरिटी में जाएं, सिक्योरिटी में मोर सिक्योरिटी डिवाइस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये कर देता हूँ मैं इसको, फाइंड माय डिवाइस गूगल डीएक्टिवेट कर दो और फाइल मैनेजर को एक्टिव कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर
एप्स एंड नोटिफिकेशन ठीक है, देखते हैं कोई और ब्राउज़र है इसमें, अगर कोई और ब्राउज़र मौजूद नहीं है तो मुझे इस गूगल से दोबारा इस गूगल पे आ जाता हूँ। अच्छा एक मिनट, ये है गूगल ठीक है, और ये था क्रोम, क्रोम में शायद ये ना हो तो ये गूगल में हो जाएगा। मैंने गूगल पे क्लिक किया, इसके बाद नोटिफिकेशन पे, नोटिफिकेशन के बाद मोर सेटिंग, इसकी मोर सेटिंग मौजूद है, यहाँ पर से हो जाएगा। डेटा सर्वर को मुझे इनेबल करना है, फिर अगर डेटा सर्वर को मैं इनेबल करता हूँ, यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ ऑफलाइन, ऑफलाइन सर्च ठीक है, मैनेजमेंट सर्चिंग पर भी क्लिक करता हूँ तो ये मेरा गूगल पेज खुल गया है ठीक है। अब गूगल पेज को खोलने के बाद मैं कर देता हूँ गूगल क्रोम, क्रोम लिखूँगा जी बिल्कुल CHROME क्रोम, जैसे क्रोम इनेबल हो जाएगा। अच्छा क्रोम इनेबल नहीं हो रहा तो कोई मसला नहीं, ना होने दे, मैं इसमें फाइल मैनेजर सर्च कर देता हूँ, फाइल मैनेजर, फाइल मैनेजर तो सर्च हो गया है एग्री। अब मैं करना मुझे इस मेमोरी कार्ड सेट में मुझे एक मेमोरी कार्ड भी लगाना होगा जिसके ज़रिए मैं इस फ़ोन को मज़ीद अल्लाह कर सकूँ। मेमोरी कार्ड लगाने के बाद मैं मेमोरी कार्ड में डाउनलोड करूँगा इसकी क्विक शॉट मेकर, और उसके लिए मुझे थोड़ी सी वीडियो को पॉज करनी पड़ेगा, मैं पॉज कर देता हूँ। अच्छा मेरे पास इसको तो मैंने फाइल मैनेजर तक पहुंचा दिया था, और इस पे अब मैं मेमोरी कार्ड लगा लेता हूँ, मुझे क्विक शॉट मेकर की ज़रूरत है और वो मैंने मेमोरी कार्ड में डाउनलोड कर दिया है। देखते हैं इसमें मेमोरी कार्ड में लगा लेता हूँ ठीक है, ठीक है। और मैं लोकल में अगर जाऊं तो यहाँ पर है मेरे पास एसडी कार्ड को सबसे नीचे चला जाऊं तो यहाँ पर है मेरे पास क्विक शॉट मेकर, लेकिन ये इंस्टॉल नहीं हो रहा। देयर वाज अ प्रॉब्लम प्रेसिंग द पैकेज, पैकेज में कोई मसला नहीं है, मैं समझ गई ये क्या कह रहे हैं। सेटिंग में दोबारा अगर मैं जाऊँ तो कैंसिल कर देते तो इसको, ऐसे ड्रामे कर रहे हैं कि सेटिंग में मसला है, कोई मसला नहीं है सेटिंग में, सेटिंग अच्छा सेटिंग स्पीडिंग गलत है, सेटिंग्स स्ट्रिंग हमारे पास आ गया है। अगर मैं सिक्योरिटी पे क्लिक करूं, यहाँ पर से मोर सिक्योरिटी अननोन एप्लीकेशन को जो है ना मैं यूज समझे को फाइल मैनेजर है, इसको मैंने अलाउ किया हुआ है, और जीमेल को वगैरह को भी मैं अलाउ कर देता हूँ ठीक है। यहाँ पर मैं सर्च कर देता हूँ फाइल मैनेजर दोबारा से, फाइल मैनेजर एप्स में अगर मैं देखूँ इंस्टॉल पैकेज पे दो एप्लीकेशन है मेरे पास, देयर वाज अ प्रॉब्लम, क्यों प्रॉब्लम बता रहे हैं, कह रहे कि ये 0 KB का है, शायद ये इसमें मसला हो, मैं दोबारा से इसमें डाउनलोड कर देता हूँ। एक मेरे दूसरे कार्ड में मैंने फिर से क्विक शॉट मेकर वगैरह इंस्टॉल करने के लिए डाउनलोड कर लिया है, उस कार्ड में जो डाउनलोड हुआ था शायद वो सही डाउनलोड नहीं हुआ था, इसलिए मैंने कार्ड चेंज कर दिया। ये ठीक है, एक बार देख जाएंगे और फिर सर्च करेंगे फाइल मैनेजर ताकि वो कार्ड उठा लें।
सही लोकल एसडी कार्ड पिक्चर मेकर अब सही है। अच्छा उसमें डाउनलोड किया तो शायद इस कार्ड में मस्त डेटा करप्ट कर दिया था तो इस वजह से नहीं हो रहा था, तो मैंने दूसरे कार्ड में कर लिया, अब हो गया है। अब यहाँ से मैं जाऊँगा हवावे होम में, हवावे होम इस तरह है, ठीक है। ये रहा हवावे होम, इस पर क्लिक करूँगा ताकि मैं होम स्क्रीन पे चला जाऊँ। मैं होम स्क्रीन पे पहुँच गया, यहाँ से मैं इसकी सेटिंग में चला जाता हूँ। सेटिंग में इस पे जो प्रोफेशनल अकाउंट है इसे रहने देता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इस मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट करके देख लूँ कि इसी याहू अकाउंट पे इसे चलाने की कोशिश करता हूँ, अगर ये इसी पे चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मुझे इसको दोबारा से जो अच्छा मैं इसकी वर्जन भी देख लेता हूँ इसमें कौन सा वर्जन इंस्टॉल है। इसमें एंड्रॉयड वर्जन 8.0 इंस्टॉल है, ठीक है बेटा। सो मगर हमारा वीडियो नहीं जो अकली जबान नजम, ये हो गया है। और इसके बाद मोबाइल को रीस्टार्ट कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, रीस्टार्ट। अब देखते हैं वापस ऑन हो के, अगर ये याहू अकाउंट पे चलेगा तो बेहतर है, नहीं चलेगा तो इसे दोबारा से भी बाईपास करेंगे, नहीं तो इंशाल्लाह चल जाएगा, आराम से हो जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। और वीडियो लंबी होगी क्योंकि इसका फर्स्ट टाइम कर रहा था मैं, इसी वजह से इस वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, और इंशाल्लाह मज़ीद छोटी छोटी वीडियो भी बनाते रहेंगे। ये इस पर FRP अब नहीं है क्योंकि इस पर मैंने अपना याहू वाला अकाउंट डाउनलोड होता। अब अगर मैं याहू का अकाउंट इससे रिमूव करता हूँ, जैसे कि बल्कि है ही नहीं इसमें तो अकाउंट कहाँ पर होगा, सर्विस पे नहीं, अकाउंट तो अकाउंट नहीं होगा, ये रहा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और रिमूव करने के बाद जैसे कि मेरा याहू अकाउंट रिमूव हो गया, एक बार फिर से मोबाइल को रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ कि ये FRP वापस आ रही है या नहीं आ रही। मुझे नहीं लगता कि इस पर दोबारा FRP आएगी क्योंकि इस पर अभी इस टाइम पे याहू का अकाउंट था, तो मैंने इसको हार्ड रिसेट नहीं किया ना तो रिसेट किया है, तो वो कैसे मुमकिन है कि वापस आ सकता है। और दूसरी बात कि इसी तरह मेरे और भी वीडियो हैं, आप वो भी देख सकते हैं, वो भी हवावे के हवाले से। अगर इस टाइप से आपको अच्छा नहीं लगता तो आप उससे भी कर सकते हो, नहीं तो ये वाला तरीका सबसे आसान है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, खास में सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मुझे सब्सक्राइबर की बहुत जरूरत है, ये नहीं है इस पर FRP नहीं है। और इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाते रहेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।